90 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज का आज है चौथा दिन और आज मैं सुबह थोड़ा लेट उठा। इसका रीजन था कल सैटरडे था तो लेट नाइट बाहर थे, आज ऐसा कुछ काम था नहीं एज यूजुअल, तो जो हमारा मेन टॉपिक था आज के लिए मैं उस पर ही लग गया। मैं पहले से प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें पता थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चेकलिस्ट बनाए और सेलेक्ट किया। तो जो आज का दिन है वो है कम्प्लीटली कि जो डोमेन नेम होता है यानी जो ब्लॉग के लिए जाते हैं तो डोमेन नेम कैसे चुनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डोमेन नेम, क्योंकि ये हमारे ब्लॉग के लिए ब्रांडिंग का काम करता है और जितने भी वेबसाइट हैं चाहे techcrunch.com हो या फिर आप quora.com हो, उनके डोमेन नेम से ही जाना जाता है। तो डोमेन नेम केवल वेबसाइट का URL नहीं होता है, ये पूरा एक ब्रांडिंग होता है। ये मुझे पहले से आइडिया था, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से सुन भी रखा था इसके बारे में, तो मैंने इस पर बहुत सारा टाइम देना स्टार्ट किया और मैंने एक दो दिन इससे पहले भी इस पर रिसर्च किया था, कुछ पॉइंटर्स उठाए थे, उन पर फोकस किया था। फिर मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो मिलता है जो कि इंडियन किसी क्रिएटर का नहीं है, ये एक US के क्रिएटर हैं उनका है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डोमेन नेम चुनने जाते हैं तो ये वीडियो कम्प्लीटली एक बार देख लेंगे। मैंने देखा, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने इसे कुछ पॉइंटर्स बनाए। कुछ पॉइंटर्स पहले से मैंने GoDaddy से और दूसरे एक्सपर्ट से मैंने सीखे थे। मैंने तो अपने ब्लॉग का डोमेन नेम चुन लिया है और मैं उसको नहीं रिवील करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे खरीदने से पहले कोई और खरीद ले। बट आप भी अपने ब्लॉग का नेम चुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ टिप्स फॉलो किए हैं। और जब मैं इस पे काम पे लगा रिसर्च करने पे, तो मैंने कुछ टिप्स को ध्यान में रखा। पहला कि जो भी डोमेन का नाम होगा बहुत ही शॉर्ट होगा, सिंपल होगा, ताकि लोग उसे आसानी से रिमेम्बर कर सकें, याद कर सकें। eov.com इसके लिए मैंने सोचा कि मेरे जो डोमेन का नाम होगा एक वर्ड या दो वर्ड मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा वर्ड उसमें नहीं होंगे, तो उसके हिसाब से मैंने सेलेक्ट किया। दूसरा, जो मेरा नीच है, मैंने सोचा था कि डोमेन जो होगा मेरा उसी नीच के अराउंड होगा, ताकि लोगों को पता लग सके डोमेन नेम से ही कि उस पर किस तरह के कंटेंट जाने वाले हैं। और जो तीसरा पॉइंट है कि .com, .in ये सारी चीज़ें, तो ये सारे मैंने कुछ लोगों से सुना भी है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। जैसे .com अगर मिल रहा है तो बेस्ट है, अगर .com नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे टॉप लेवल डोमेन आते हैं, जैसे कि .one हो गया, .net हो गया, .org हो गया, उसमें से भी कोई ले सकते हैं। और इंडिया में टारगेट कर रहे हैं तो .in बेस्ट है, अगर वो नहीं मिलता तो कोई भी हम ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन जो एक्सटेंशन है उसका, वो लेने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, कुछ ही एक्सटेंशन लोग बाय करते हैं, तो उस पर मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने जो चुन लिया है .com, वो मेरे लिए अवेलेबल है, तो मैं वो ले रहा हूँ। और चूंकि मैं .com पे मुझे मिल रहा है तो मुझे इन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर इन भी मिलता तो मैं ले लेता। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मैंने ध्यान रखा जब मैं डोमेन नेम सेलेक्ट कर रहा था, और मैं इस पर इसको मेरे पास भी इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जब डोमेन नेम चुनने में गया तो मुझे पता नहीं था और मैंने कई सारे लोगों से सुना था, बट मैं एक एक्सपायर्ड डोमेन का वीडियो देख रहा था जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वीडियो मैं देख रहा था और इस वीडियो में मैंने एक चीज नोटिस की, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। तो मैंने डोमेन नेम लेने से पहले मैंने उस कीवर्ड को सर्च किया कि इसके इस कीवर्ड पे कोई कॉपीराइट या ट्रेडमार्क तो नहीं है पहले से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, मे बी हो सकता है जब मेरा डोमेन नया रहेगा तो मुझे कोई नहीं बताएगा, बट जैसे मेरा डोमेन थोड़ा सा उसमें अथॉरिटी आ जाएगी, थोड़ा पॉपुलर हो जाएगा, तो अगर मैंने नहीं चेक किया है कि उस पर ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है तो इशू हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग न्यूज़ से रिलेटेड डोमेन बाई करते हैं, तो मैंने देखा है उनका डोमेन होस्टिंग वाले ऑटोमेटिक टर्मिनेट कर देते हैं ड्यू टू कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इशू। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें जब भी डोमेन बाई करने जाए। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब डोमेन लेने जाते हैं, जिसका मैंने ध्यान रखा, जिसके बारे में मैंने पढ़ा, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, जहाँ से मैंने पढ़ा है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसमें मैंने पढ़ा है कि जब डोमेन लेने जाते हैं तो अवॉइड करना चाहिए जो नंबर्स आते हैं, जो हाइफन होते हैं डोमेन में। इसका मैंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा, बहुत सारे न्यूज़ साइट ऐसे हैं जो कि जिसमें नंबर्स हैं, लाइक News18 हो गया या इसमें आप देखेंगे तो इसमें नंबर्स हैं, बट मोस्टली अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेटर होंगी, कि 9-10 का फ़र्क हो जाता है, ऐसा मुझे एक्सपर्ट ने एडवाइज़ किया। तो मैंने अवॉइड किया है नंबर या हाइफन अपने डोमेन लेने में। तो आपने जो ब्लॉग बना रहे हो मेरे साथ 90 डेज चैलेंज में, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो ब्लॉग बना रहे हैं या डोमेन नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो ऐसा लें जिसमें नंबर्स और हाइफन ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने फॉलो किए हैं और इसके करके मैंने डोमेन नेम सेलेक्ट किया है।
और इसके लिए मुझे जो टाइम देना पड़ा, मैं ओवरऑल टाइम बताऊँ तो मुझे 5 से 6 घंटे लगे ये पूरा रिसर्च करने में, चीज़ें करने में, और ये तब जाके कंप्लीट हुआ और ये प्रोसेस, और वर्थ इट है क्योंकि ये मेरे ब्रांड का नाम होने वाला है आगे चल के, तो मुझे इतना टाइम देना पड़ा। तो आज का दिन इसी में चला गया है, आज संडे है और आज मैंने पूरा दिन यही किया है। तो एक दिन बाद वीडियो जाता है, जैसे कि पता है एक दिन मैं शूट करूँगा, एडिट करूँगा, तो जो भी वीडियो होगा आज, जैसे चौथा दिन का वीडियो है तो मंडे को जाएगा, तो इसमें एक दिन का डिले होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ज्वाइन करिए हमारे साथ 90 डे ब्लॉगिंग चैलेंज को, और आप जिनका भी सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ कि आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियो एकदम रॉ हो रहा है। जो प्रोसेस है मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ, जो इंटरनेट पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो गाइड अवेलेबल हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, उन्हीं को फॉलो करके ब्लॉग क्रिएट करेंगे और देखेंगे 90 डेज में ब्लॉग का क्या हाल होता है, उसी तरीके से कंटेंट लिखेंगे जो कि आगे फर्दर वीडियो में आने वाला है। तो #90daysblogging करके आप इसे ट्वीट कर सकते हैं, इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़िए और इस कम्युनिटी को ग्रो करिए। और प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।